सो हेलो गाइस, मैं सांझ और अभी पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब उनको थोड़ा कोल्ड हुआ है और थोड़ी थोड़ी खांसी हुई है। ठीक है, तो पापा के चैनल पे वीडियो डालने के लिए तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे चैनल पे जो भी अभी तक होम स्कूलिंग की क्लास बनाई हम मैंने पढ़ाया तुम्हें होम स्कूलिंग क्लास में, उनको बैठ के तुम दोनों डिस्कस करो कोई टॉपिक के ऊपर, तुम बातें करो उस पर। तो अभी हम जो भी पापा ने कई सारी होम स्कूलिंग क्लास ली है, कम से कम 30 अब तो हो गई होगी, 21st क्लास तो हमारी अफगानिस्तान वाली क्लास थी, 21st वाली क्लास हमारी अफगानिस्तान वाली थी, और उसके बाद भी कई ली है तो 30 अब तो ऑब्वियसली हो ही गई होंगी। तो कई सारी क्लास ली पापा ने, तो इसलिए हम अब पढ़ाएंगे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी होम स्कूलिंग क्लास के बारे में हम डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक मैं ही कोई सजेस्ट करूँ आपको? बहुत क्लासेस लिए, गंगा, शेप ऑफ अर्थ, जजमेंट, बी सी ए डी, पहली क्लास थी ई एस बी आई, वो मुझे अच्छे से याद है, सेकंड थी बी सी ए डी, फिर थी हिस्ट्री, फिर वो हमें नहीं याद करना कि कौन सी पहली दूसरी थी, हमें ये तो मैं कौन सी ली, जजमेंट जजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट था जजमेंट, कि आपको किन किन पॉइंट्स पे आपको लोगों को जज नहीं करना चाहिए। पापा ने दो क्लास ली है, किन पे आप जज करना चाहिए और किन पे जज नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं जज करने वाले पे करते हैं। और अभी हम अपने दूसरे वाले घर में पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, तो हम वहाँ पर उस घर में, हमारे घर में टॉनी जेरी है, वहाँ पर इशारे करना ज़रूरी है क्या? यस, बहुत ज़रूरी है। तो जजमेंट वाली क्लास, हाँ जी, किन पॉइंट में जजमेंट नहीं करना चाहिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे जजमेंट के क्लास पे, वो कौन सी क्लास नंबर होगी? बिलो टेन की किसी क्लास में होगी, तो किन पॉइंट्स पर हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट ना, रिलीजन। हाँ, रिलीजन हम उस वाइज में बताएंगे कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, हो सकता है कुछ डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा उस हिसाब से बताइए। सबसे पहला रिलीजन है कि हमें रिलीजन के पॉइंट में डिस्कस नहीं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, जो भी हो, तो हमें उसके पॉइंट पर समय किसी पर भी जज नहीं करना चाहिए कि कौन कौन सा धर्म है। और जैसे कि हमें पापा ने बताया कि हमारा एक ही धर्म है, इंसान धर्म, तो जो अभी तक इस दुनिया में लागू नहीं हुआ है पर फ्यूचर में हो सकता है, वो हमारे लिए है, हमारे लिए कोई धर्म ही नहीं है, हमारा नो हिंदू, नो मुसलमान, नो सिख, नो ईसाई, ओनली इंसान ये धर्म। दूसरा था फाइनेंस, फाइनेंस कि पैसे, पैसों पे नहीं जज करना चाहिए। हाँ नहीं, पहला रिलीजन आ गया, उसके बाद था नहीं, पापा ने जो करा नहीं, पापा ने इम्पोर्टेंट के हिसाब से करवाया कि सबसे पहले रिलीजन, फिर उसके बाद कौन सा है ना, तो पहले तो हम देखते हैं कि सबसे कौन कौन सा, रिलीजन, फाइनेंस, दीवार का पेंट लग रहा है, हाँ तो रिलीजन, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, प्लेस, हाँ प्लेस, छः पॉइंट थे, छः नहीं चार थे, ये टोटल चार हुए, पापा ने 6 पॉइंट करवाए, नहीं 5 नहीं तो 6, लाइफ स्टाइल हो गया। और तो अभी हम इन 4 पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे, तो 4 पॉइंट है रिलीजन, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, प्लेस, तो अभी ये 4 पॉइंट हमें आया है, और ये क्योंकि ये ज़रूरी भी है, तो सबसे नंबर में इम्पोर्टेंट वाइज में डाले तो आता है रिलीजन, फिर एक मिनट फिर आता है बचेंगे फाइनेंस, प्लेस और लाइफ स्टाइल, हाँ तो फिर उसके बाद फाइनेंस आता है, फिर उसके बाद प्लेस आता है, फिर लाइफ स्टाइल, क्योंकि प्लेस के लेवल पे बहुत ज़्यादा जजमेंट वो करते हैं ना, तो इसलिए सब रिलीजन पे तो करते हैं, वो तो नंबर वन पे हमेशा है, तो रिलीजन, फिर फाइनेंस, मैं क्या बोलते हैं कलर, आपने जजमेंट की दूसरी क्लास में बताया था कलर पे भी करते हैं, हाँ कलर कॉम्प्लेक्स, हाँ हाइट, हाइट, हाँ हाइट पे भी करते हैं, पापा ने हाइट का पॉइंट नहीं लिया था, पापा ने हाइट और कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में बोला ही नहीं था जजमेंट की क्लास में, वो रेसिज्म वाली क्लास थी, वो अलग है,
एसीजन में बताया था कलर हाइट और वो भी था, और हाइट के लिए भी उस क्लास में पापा ने बोला था कि हाइट का ज्यादा नहीं होता होता था। और जेंडर, और जेंडर, जेंडर तो इतना भी होता है जेंडर कि पर पापा ने जो पॉइंट इसमें ये नहीं करवाया ना। हाँ। और ये जो जेंडर वाला है, जेंडर मतलब भेदभाव, भेदभाव नहीं, जेंडर लड़का या लड़की। हाँ हाँ भाई, वो भेदभाव हो गया, वो जजमेंट में नहीं आएगा। हाँ, वो रेसिज्म में आएगा। तो अभी हम जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जजमेंट में रिलीजन, फाइनेंस, फिर उसके बाद प्लेस, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल। तो रिलीजन के बारे में बता दिया कि रिलीजन को मतलब हमें किसी भी धर्म पे हमें नहीं करना चाहिए, जज किसी को किसी पे भी, किसी भी इंसान पे भी। तो रिलीजन के लिए हिंदू मुसलमान का कहते हैं, मुसलमान हिंदू का कहते हैं एग्जाम्पल के। और धर्म हमारे लिए एक ही है, वो है इंसान धर्म। और दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस मतलब सब नाम से ही समझ गया कि हाँ, अमीर गरीब पे भेदभाव नहीं करना। अमीर पे भी लो आई क्यू लेवल हो सकता है और गरीब पे भी हाई आई क्यू लेवल हो सकता है, तो इस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो दोस्त बनाएंगे, कोई भी आगे से हम जिससे भी बातचीत करेंगे, हम ये जजमेंट की रिलीजन क्या है उसका, फाइनेंस क्या है, या आगे जो दो करेंगे उसकी सोच कैसी है, उसके पास नॉलेज कैसी है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा प्लेस। प्लेस है कि हमें जगह के हिसाब से नहीं जज करना चाहिए कि कौन कहाँ से है। कोई अगर बिहार से है तो हमें बिहार पे भी नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि बिहारी कह के कि हम जो अपने नाम देते हैं बिहार है, मतलब बिहारी है। और साउथ इंडियन लुंगी बाबा है ना, तो साउथ इंडियन को लुंगी बाबा, वो भी एक तरह से जजमेंट, एक तरह से क्या, वो पूरा जजमेंट ही हुआ। और ऐसे कोई प्लेस जगह के नाम नहीं आ रहे, तो बिहार को बिहारी, यूपी में कहते क्या बोलते हैं, भैया, पंजाबी में भैया, भैया पंजाबी में ऐसे कहते हैं भैया यूपी के लोगों को। तो ये सब जजमेंट होते हैं, तो प्लेस के तौर पे भी हमें नहीं करना चाहिए किसी पे भी जज। और फिर आता है हमारे पास लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब कौन कैसे रहना, पीना, खाना पीना, कौन कैसे रहता है, उसका घर कैसा है, ये सब हमें उस पर नहीं जज करना चाहिए कि घर छोटा है, मतलब एक तरह से वही की फाइनेंस पे आ गया। कपड़े कैसे उसके, क्योंकि जिनके पास भी हाई आईक्यू लेवल होता है उनके कपड़े, वो अपने कपड़ों में ऑब्वियसली नहीं ध्यान देते, वो दिखते कैसे वो नहीं ध्यान देते। और मैंने कहीं ना एक इंटरव्यू में भी देखा था, जो RRR मूवी का जो डायरेक्टर है ना, मैंने उनका नाम भूल रही हूँ, तो उन्होंने कहा था उनके, उन्होंने किसी इंटरव्यू में उनका हुआ था कि हाँ, कि आपकी जो दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी है ना, जो RRR मूवी के डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा था, किसी ने उनको बोला कि आपकी इतनी दाढ़ी बड़ी है, आप अपने शीशे में देखते नहीं कि कभी की कटवाने का सोचो, तो उन्होंने कहा कि मैं मिरर पे जाता ही नहीं। तो ऑब्वियसली कि वो मतलब वो ध्यान ही नहीं देते कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी हो रही है कि नहीं, तो वो अपने अपने करियर, अपने काम पर ध्यान रखते हैं। तो ये जजमेंट का है चार पॉइंट कि हमें रिलीजन मतलब धर्म पे नहीं करना चाहिए। और अब आप भी कुछ बोलो, ये रिवाइज करवाएगी, ये रिवीजन होगा, बोल क्या बोल जजमेंट की क्लास के बारे में। यही हमें रिलीजन, फाइनेंस, लाइफस्टाइल और प्लेस के ऊपर नहीं जजमेंट करना चाहिए क्या? पूरा रिवाइज का जो भी अभी मैंने चार पॉइंट में बोला, पूरी वीडियो में मैंने ही बोला रिलीजन के लिए ऐसे करते हैं लोग कि हिंदू को मुसलमान की प्रॉब्लम, मुसलमान को हिंदू से, और फाइनेंस में कि पैसे क्या, कि अमीर है गरीब है ये सब रहता है। और उसका लाइफ प्लेस का वो होता है कि बिहार से आए बिहारी, पंजाब में यूपी वाले को वो भैया कहते हैं, साउथ वाले लोगों को वो कहते हैं लुंगी बाबा। और लाइफ स्टाइल में कि ऐसे कैसे रहते हैं उसके हिसाब से, कि खाना गंदा खाता है तो फिर कि नॉन वेज खाता है तो बात नहीं करेंगे, या फिर वेज खाता है तो। हाँ, कुछ घरों में होता है कि नॉन वेज खाते नहीं, नहीं हम इससे बात नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे, नहीं हम भी ऐसे नहीं। श्रापित है ये, क्या कि नॉन वेज खाता है श्रापित है, श्रापित किसी का मर्डर कर रहे ऐसे लोग कहते हैं कुछ। मैंने वर्ड पहली बार सुना है श्रापित, कहाँ सुना तूने? तो अभी हमारी जजमेंट के ऊपर क्लास हुई,
कि जजमेंट के ऊपर हमें किन किन पॉइंट पे जज नहीं करना चाहिए। पापा ने दो क्लास लिया, किन पे जज करना चाहिए, किन पे जज नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किन पे जज नहीं करना चाहिए, तो वो चार पॉइंट हमने आपको बता दिए है। हाँ, कौन से चार पॉइंट है वो? रिलीजन, ध्यान नहीं दे रही मुझे समझ नहीं आ रहा। रिलीजन, लाइक ओ फाइनेंस, प्लेस और लाइफस्टाइल। वेरी गुड, पहले तीन उंगलियां दिखाई थी, मुझे याद है चार है। बहुत अच्छे। तो अभी ये हो गई मैं होम स्कूलिंग क्लास के ऊपर। तो अभी देखते हैं कि अगली वीडियो हमारी तरफ से होम स्कूलिंग की यही आएगी कि पापा फिर वीडियो बना के डालेंगे। तो मिलते हैं। हाँ, हो भी सकता है, ये भी कुछ पता नहीं आगे का, कल किसने देखा है। ओके, सो बाय बाय।